अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यार मैं इतना वो क्या होते हैं जोश में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे छत पर एक ब्यूटीफुल सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा एक कबूतर आकर बैठा हुआ है और हमने उसको आज पकड़ने की ट्राई करनी है। बहुत देर बाद आया, ठीक है, तो अभी हम ट्राई करते हैं कि उसको पकड़ लें। अब पकड़ लिया तो खूबसूरत तो बहुत है, अच्छा भी बहुत है माशाल्लाह से। ऐसे ना हैं, चले आइए आपको भी दिखाते हैं। लोटे अगे सही गल इंज नहीं उड़दे है। वो कबूतर है जी। अब मैं अपने कटे हुए दो कबूतर ना कटे हुए वो निकाल दूँ ताकि ये जल्दी जल्दी से नीचे आए और हम इसको पकड़ के फिर इसके जो करना है वो करना। वो जा रहा दोस्तों, पता नहीं कहाँ जाएगा। दुआ करें वापस आ जाए। ये कह रहे नीचे हैं तो हम भी नीचे जाते हैं और वेट करते हैं कि कबूतर कहाँ जाता है। अभी हम इधर बैठ रहे हैं, उधर है इस तरफ क्योंकि उनके छत पे तो ये जी दोस्तों, अब कबूतर ये इधर छत पे जाके बैठ गया है। ये झंडे वाला छाता आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत कोशिश की लेकिन कबूतर हमारा भाग गया। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने जल्दी काट दी। उसको थोड़ा सा डराना नहीं था चाहिए क्योंकि वो उड़ गया और फिर चला ही गया। चलिए अब देखते हैं कब आता है, अगर आ गया तो गुड हो जाएगा। तो रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों अभी 15 मिनट ही गुजरे होंगे तो कबूतर का बच्चा जो पट्ठा था जो भाग के गया अभी अभी वो फिर से आ चुका है। तो अब देखते हैं कि अब किस तरह हम उसको पकड़ते हैं। किधर है, किधर वो बाजरे के पास बैठा हुआ है, वही है ना, वही है ना। हाँ हाँ वही है, वही है। तो अब हम फिर से कोशिश करते हैं ताकि हमारे यार ऐसी कोई रोटी लेके आता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे कबूतर जो है रोटी बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। अगर रोटी पड़ी हुई तो फिर काम गुड हो जाएगा। कबूतर रोटी शौक से खाते हैं, वो मैं टुकड़े टुकड़े करके डालूंगा फिर वो भी आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डरबे की तरफ खेल देंगे। आप पुश करो, वीडियो में आता हूँ। तो दोस्तों रोटी तो बस इतनी सी मिली है, नीचे चने पड़े हुए थे कच्चे वो मैं ले आया हूँ। वो अब कबूतरों की ये फेवरेट गिज़ा में आती है, फेवरेट खुराक में चने मकई वगैरह इनके फेवरेट होते हैं, वो भी हम डालेंगे और इनको डरबे की तरफ लेके जाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से खाएं और यानी इकट्ठे हों और वो भी उनके साथ साथ फिर जाएगा। जब वो फिर नज़दीक जाएगा पीछे से हम जरूर उकार देंगे और इसको पकड़ लेंगे। तो पहले हम रोटी डालेंगे, ठीक है, ताकि चने हमारे बाची जाए, महंगे बहुत हैं आपको पता है। तो कबूतर इसे डरते इसलिए हैं क्योंकि
ये महलूक जो कैमरा जिसने पकड़ा हुआ है वो कभी इतना ऊपर नहीं आया, ना ही इसको इतना बर्ड्स का शौक है, तो फिर इसलिए मैं कबूतर भी संभालता, चूल्हे भी संभालता, तोते भी अक्सर, तोतू का इतना काम नहीं होता, वो महीना एक निकल जाता है, उनको बाजरा डाल देते हैं इकट्ठा ही, तो पूरी कोशिश करनी है हम ताकि हम इसको पकड़ सकें। तो अभी वो बाजरा खा रहा है, वो भूखा शोर है, खलू महीना तो बाजरा ले रहा है, कुछ करके भी जितने भी पे बन। तो ये भाई साहब इतना ज़्यादा माशाल्लाह से बाजरा लेके आए हैं, अब हम डालते हैं, वो भूखा है यार, आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ਕੇਲ ਸਾੜੂ ਅੰਦਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਓਏ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬ ਥੋੜੀ ਕਾਂ ਪੇ ਟਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੋ ਨਾ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਤੋ ਨਾ ਸਹੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਮੇਂ ਹੋਇਆ ਆਹ 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 ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं, ये नीचे उतर जाएगा। तो दोस्तों ये फिर से जा चुका है, उड़ गया, तो इसने अपने कबूतर भी उड़ा दिया ताकि कुछ ना कुछ वापस आ ही जाए, कोई चांस मांग नहीं जाए, वो छुप के बैठ गया ताकि कबूतर ना कोई मसला ना हो। ये कबूतर अपने भी उड़ा रहा है जूता फेंक के, अभी वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। और ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।